दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं रीट लेवल प्रथम के अंदर जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर लेके आया हूं और तो आपको भी और क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है सूर्य नगरी किसे कहते हैं, तो सूर्य नगरी इसका आंसर एकदम करेक्ट आंसर है जोधपुर। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था नमामि गंगे कब स्टार्ट हुआ था, तो 2014 आपका इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फूलडोल मेला है वो आपका कहाँ लगता है, तो शाहपुरा इसका आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में लासा गुर्जरी का एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर था लासा गुर्जरी जो कि उनकी रक्षा की थी, ठीक है, लासा गुर्जरी की रक्षा तेजाजी ने की थी, उनकी गायों को लेके आ गए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक आपका पूछा गया था मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो उसका आंसर है भीलवाड़ा, करेक्ट आंसर है एकदम। उसके अलावा आपका पूछा गया था सोनार किला कहाँ स्थित है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर जाएगा जैसलमेर के अंदर सोनार किला स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर जाएगा बुध ग्रह जो कि सूर्य के सबसे निकट स्थित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका शिक्षण घंटे, इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 45। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था IQ का फॉर्मूला ये किसने दिया था, तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका टर्मन। एक आपका पूछा गया था सृजनात्मक के संबंध रिलेटेड क्वेश्चन था, उसका आंसर जाएगा अपसारी। एक आपका पूछा गया था महावीर जयंती होती है वो कब मनाई जाती है, तो उसका करेक्ट आंसर है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है महावीर जयंती। एक आपका पूछा गया था करिकुलम वर्ड है वो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको पूछा गया था क्यूरिकुलम वर्ड का, तो फ्रेंड्स इसका आपका क्यूरिकुलम का आंसर जाएगा पाठ्यक्रम। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रक्षेपी से संबंधित था, उसका आंसर होगा टेट TAT। इसके अलावा आपको पूछा था प्रतिभाशाली जो होते हैं उनका IQ कितना होता है, तो 140 और 140 से ऊपर। एक आपका लोक्ति पूछी गई थी डाक के तीन पात, ठीक है ना, ये आपकी लोक्ति पूछी, इसका आंसर है सदा एक सी स्थिति रहना ढाक के तीन पात। एक आपका मुहावरा पूछा गया था उसका आंसर है बहुत लज्जित होना, और वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो करेक्ट आंसर है वाक्य के दो अंग होते हैं। एक आपका पूछा गया था अभिव्यक्ति कौशल के अंदर क्या क्या आता है, तो बोलना और लिखना अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत आता है। एक आपका संधि विच्छेद पूछा था सदैव का संधि विच्छेद पूछा था, तो उसका होगा सदा प्लस एव। एक आपको रेबीज का रोगवाक पूछा था, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेबीज होता है वो वायरस की वजह से होता है। एक आपको रोग पूछा गया था प्लेटलेट्स है वो किस रोग के अंदर कम हो जाते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका गया था डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। एक आपको पूछा गया था प्रतिदर्श या प्रतिमान सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा थॉमसन के द्वारा दिया गया। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था पुनर्बलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो करेक्ट आंसर होगा स्किनर के द्वारा दिया गया। एक आपका पूछा गया था उपलब्धि परीक्षण के कितने पद होते हैं, तो इसके आपका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें क्या क्या ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था अधिगम का सिद्धांत कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका बलूम। एक आपका पूछा गया था रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, ठीक है ना, इसमें संयुक्त आपका वाक्य प्रकार है, ठीक है। एक आपका पूछा था विष का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो आप बताइएगा ऑप्शन में क्या क्या थे, उस आधार पर अपन तैयार कर लेंगे। और विरोधी का विलोम शब्द पूछा गया था, उसका करेक्ट आंसर था समर्थक। एक आपको अमूल्य का अर्थ पूछा गया था, इसके क्या क्या ऑप्शन थे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और रबी की फसल नहीं है, एक ये क्वेश्चन आपका आया था। और एक आपका पूछा गया था अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, इसका करेक्ट आंसर है स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूर्य नगरी वाला हो गया, जोधपुर, नमामि गंगे 2014, फूलडोल मेला हो गया आपका, लासा गुर्जरी हो गया, मैनचेस्टर हो गया, सोनार हो गया, सूर्य के निकट बुध हो गया, ढाके तीन पात हो गया, बहुत लज्जित होना, वाक्य के अंक का ये क्वेश्चन हो गए आपके, ये तो हो गए। उसके अलावा है आपका शिक्षण घंटे भी हो गए, और 45 है, IQ का फॉर्मूला टर्मन ने दिया था, सृजनात्मक अपसारी है, और महावीर जयंती का ये भी हो गया। इसके अलावा है आपके ये क्वेश्चन भी सब हो गए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया था बेसरी आभूषण है वो कहाँ किस शैली का है, तो वो है आपका किशनगढ़ शैली का होता है, ये आपने कर लिया था। सूर्य नगरी जोधपुर को बोलते हैं, तेजाजी वाला आपने कर लिया था, लासा गुजरी वाला, फूलडोल वाला आपने कर लिया था, शाहपुरा अंतर उत्तर है, और खादी वस्त्र में सूट वाला इसका करेक्ट आंसर है 2 अगस्त जाएगा, नमामि गंगे वाला आपने कर लिया था। एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वन्य प्राणी है इनकी रक्षा के लिए कौन सी जाति है वो इसकी करती है, तो इसका करेक्ट आंसर बिश्नोई जाएगा। मैनचेस्टर भीलवाड़ा वाला आपने कर लिया, रेबीज का करेक्ट आंसर वायरस है आपने कर लिया, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह बुध है सोनारगढ़ वाला आपने कर लिया था, जैसलमेर।
एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था हिमालय की जल संरक्षण विधि, इसमें क्या क्या ऑप्शन थे आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, उस आधार पे हम अपन आंसर दे देंगे। महावीर जयंती वाला आपने कर लिया था, क्षेत्र शुक्ल गोता है, प्लेटलेट्स वाला आपने डेंगू का कर लिया था। एक क्वेश्चन पूछा था रामदेव जी का वंश, इसका करेक्ट आंसर है तंवर। अरावली में कितने जिले होते, इसमें क्या क्या ऑप्शन थे अपन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक आपका पूछा गया था दरियाव जी की पीठ, इसका करेक्ट आंसर जाएगा रैण। एक आपका पूछा था टाइटन किसका उपग्रह है, एक आप टाइटन किसका उपग्रह, इसका करेक्ट आंसर है आपका शनि का टाइटन उपग्रह है। इसके बाद है ठीक है रमजिनोल आभूषण होता है वो कहाँ पहरा जाता है, वो आपका पैरों में पहरा जाता है। आरटीई एक्ट ये आपने राकेश जांगिड करेक्ट आंसर होगा आरटीई एक्ट 2000। इसके अलावा ढाके तीन पात सदैव एक सी स्थिति में रहना आपने कर लिया था। निधि का बहुवचन पूछा था तो निधियां हो जाएगा, सदैव का वो पूछा संधि विशेष तो सदा प्लस ए हो जाएगा। एक पूछा था विशेषण पूछा था उसका करेक्ट आंसर श्रेष्ठ जाएगा, और विरोध का विलोम शब्द पूछा था समर्थन जाएगा, विरोध और विरोधी वो एक ही पूछा था ठीक है। और संधि के प्रकार या भेद पूछे थे तीन होते हैं। एक आपका यहाँ पर पूछा था विचार्या, इसका मैं उपसर्ग पूछा था वी हो जाएगा। और एक आपका पूछा था राष्ट्रीय कैलेंडर का दूसरा नाम पूछा था संघ सहमत बोलते हैं। एक आपका मुहावरा बहुत लज्जित होना हो गया, वाक्य के अंग होते हैं वो दो हो गए, पुनर्बलन सिद्धांत होता है स्किनर का होता है। उपलब्धि परीक्षण के कितने पद होते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका अभी ऑप्शन क्या क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अधिगम का सिद्धांत नहीं है ब्लूम, ये कर लिया आपने। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार, इसमें संयुक्त वाक्य एक आया था वो आप इसमें क्या क्या ऑप्शन थे आप बताइएगा। एक आपको रबी की फसल वाला आया था, एक आया था अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रक्रिया स्किनर उत्तरता क्यूरिकुलम वाला पाठ्यक्रम का था, प्रक्षेप ही आपका टेट आंसर था। इसके अलावा आपके क्वेश्चन पूछे गए थे शिक्षण के घंटे 45 आपने कर लिया था, आईक्यू सूत्र है वो टर्मन के द्वारा, और सर्जनात्मक और अपसारी आपने कर लिया था। प्रतिभाशाली आईक्यू 140 होता है, क्यूरिकुलम पाठ्यक्रम से होता है, प्रतिदर्श या प्रतिमान सिद्धांत है वो थॉमसन के द्वारा दिए गए थे। तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभी तक इतने क्वेश्चन मिले, और नेक्स्ट मैं इस चैनल के ऊपर 150 क्वेश्चन का वीडियो लेके आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे आने वाले वीडियो के लिए। और आपके पास कोई भी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।